गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने मेरी पहली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का अतिथि देवो भव का सार सुना। उसके बाद हमने शब्दत किए, मुहावरे भी किए। तो बच्चों, अब हम आते हैं लिखित में, ठीक है। लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। तो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, लेखक ने कभी अकेले खाना क्यों नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया बच्चों, क्योंकि उसके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। प्रश्न दूसरा है, लेखक ने आजकल के बड़प्पन दिखाने के किस साधन की ओर संकेत किया है। तो उत्तर है बच्चों, आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं उनमें एक ये कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, ना मान लीजिए तो वह कभी हाथ ना लगे। तो बच्चों, इसका आंसर पेज नंबर 64 पे भी है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड प्रश्न, लेखक ने प्राचीन काल में अतिथियों के कम आने का क्या कारण बताया है। क्या कारण बताया है बच्चों, पहले अतिथि देव षटेश्मा से कृपा करते थे, षटेश्मा से कभी कभी आते थे, क्योंकि तब यातायात के साधन इतने अधिक नहीं थे, इट मीन गाड़ियाँ इतनी अधिक नहीं थी। फोर्थ प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उत्तर मानकर उनके लिए प्रश्न बनाइए। तो अब ये उन्होंने उत्तर दिए हैं, हमने इनके प्रश्न बनाने हैं। कुछ लोगों के बारे में सुना है कि वे खाना अकेले नहीं खाते। तो बच्चों, क्या प्रश्न इसका बनेगा, कुछ लोगों के बारे में क्या सुना है, पीछे आ जाएगा प्रश्न वाचक। क पाठ, अतिथि से नहीं पर असमय से अवश्य घबराता हूँ। तो प्रश्न क्या बनेगा, लेखक किससे घबराता है। ग पाठ, अतिथि देव ने पत्र में क्या लिखा कि उन्हें लेखक से मिले बहुत दिन हो गए। सॉरी बच्चों, मैं रिपीट करती हूँ, अतिथि देव ने पत्र में लिखा कि उन्हें लेखक से मिले बहुत दिन हो गए हैं। तो हमने इसका प्रश्न क्या बनाया, अतिथि देव ने पत्र में क्या लिखा, पीछे आ गया प्रश्न वाचक। इसी के साथ बच्चों, हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये मैंने अपनी कॉपी पे लिखे हैं, तो आपने भी यहाँ से नोट करते जाने हैं अपनी कॉपी पर। प्रश्न देखो, नंबर 1, लेखक ने अतिथि के लिए दूसरा कौन सा शब्द गढ़ा है और क्यों। उत्तर है, लेखक ने अतिथि के लिए एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमी। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि ना हो, अर्थात आने का दिन निश्चित ना हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अचानक टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ है कि जिसका समय ना हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो। नंबर 2, आजकल अतिथि सत्कार में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंसर नंबर 2, जब अपने लिए खाने के लाले पड़े हो तो फिर अतिथि को क्या भोग लगाएं। जब अपने सोने के लिए ही जगह ना हो तो उनके बिस्तर कहाँ बिछाएं। जब अपनों के लिए 10 मिनट बैठने का समय ना हो तो अतिथियों के लिए समय कहाँ से लाएं। तो बच्चों, सच भी है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हमें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, लेखक ने भोजन के मामले में सावधान अतिथि की क्या विशेषता बताई है। क्या विशेषता बताई है बच्चों, कि दाल में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए और उसके घर में घी का चलन वर्षों से बंद था। कुछ इसलिए नहीं
कि उसे घी पसंद नहीं, भले इसलिए कि वह ये जान चुका था कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया है। अब आगे बच्चों, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है? पत्नी बीमार है, नौकर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया, 3 महीने हो गए, जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयंसेवक बनकर रहना है, महीने का अंतिम सप्ताह है, ऐसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। तो ठीक है, ये था हमारा ये कंप्रिहेंशन। नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने पहले तो कोशिश करनी है खुद बनाने की, नहीं बनेंगे तो हमने इधर से ही ढूंढ के लिखने हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? लेखक के घर में क्या क्या परेशानियां हैं? पत्नी बीमार है, नौकर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया था, वह वापस नहीं आया। अब लेखक को घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। लेखक को अतिथि का आना क्यों अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि महीने का अंतिम सप्ताह, ये बच्चों अंतिम सप्ताह, ठीक है, अंतिम सप्ताह है, पैसों की भी कमी आ जाती है। तो इसी के साथ बच्चों हम आते हैं भाषा ज्ञान में। पाठ में आए कृपा और हृदय शब्द पढ़े, इनमें री की मात्रा है, री की मात्रा का प्रयोग करके 5 शब्द बनाइए। क के नीचे री की मात्रा लगी, प आ कृपा, न को री नृप, द को री दृष्टि, स को री जन सृजन, क को री षटकोण, न क्या बन गया? क्रिएशन। दूसरा पाठ है, निम्नलिखित शब्दों की संधि करके लिखिए। तो ये है बच्चों, ये आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधि होती क्या है, ठीक है, आपको मैं संधि के बारे में नॉलेज दूँ। दो वर्णों में परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर सुनो, दो वर्णों में परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब हम उदाहरण से देखते हैं, देव आल्य, देव आल्य, तो इसमें शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण बच्चों देव, व के साथ क्या लगा? अ, अंतिम वर्ण अ, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आ, आ विकार उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अ प्लस आ क्या बना? ये आ। तो हमारा शब्द क्या है? देव आल्य। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बना हमारा? देव आल्य। क्लियर हुआ? दूसरा उदाहरण, शंका आकुल, इसमें भी क्या लगा है? आ। इसमें भी क्या लगा है? आ, आ प्लस आ, दोनों का जब जोड़ होता है तो वो आ ही रहता है। तो क्या बन गया? ये शंका कुल। समझ आई बच्चों? अब हम फिर से बुक में आते हैं, शंका आकुल, तो क्या बन गया? ये शंका आकुल, इधर से भी आ, इधर से भी आ, तो विकार उत्पन्न क्या हुआ? आ। सम अन्वय, ये म हलंत है, तो हमने क्या, जब इसका शब्द बनाना है, स म हलंत हट जाएगा, आधा न वय। परिआप्त, परिआप्त क्या है ये शब्द? परिआप्त, इसमें छोटी ई लगी है और इसमें आ लगा है, ई आ, क्या बन जाता है? ये या। तो आप देखो, प या, ये वाला जो र है, ये र इसके ऊपर लगा, ये प, और तो बन गया पर्याप्त। खाद्य अन, इसके अंत में भी अ है और इसके प्रथम में भी अ है, तो अ प्लस अ बन गया आ, तो ये क्या बन गया? खाद्य अन, ठीक है, खाद्यान्न। आगे उदाहरण अर्थ, तो इसमें भी अ, इसमें भी अ, तो क्या बन गया? ये हमारा उदाहरणार्थ। क्लियर हुआ बच्चों? अब आ जाओ इधर, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसमें भी सबसे पहले हम आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर शब्द का
अर्थ बदल दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये मूल शब्द है कर्म, कर्म क्या है मूल शब्द, इसका क्या अर्थ होता है काम, कर्म का मतलब काम। जब हम इसके पहले शब्दांश लगा देंगे कु, तो क्या बन गया ये कुकर्म, जिसका अर्थ हुआ बुरे कर्म, इसका अर्थ ही बदल गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, मूल शब्द है सुंदर, जब इसके आगे अ हमने लगा दिया तो हमारा शब्द बना असुंदर, जिसका अर्थ बदल कर क्या हो गया बदसूरत, असुंदर का क्या बन गया बदसूरत। इसी तरह बच्चों प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है मूल शब्दों के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे उदाहरण, जैसे ये क्या है दुकान, दुकान के बाद में हमने क्या लगाया दार, ठीक है ये प्रत्यय है दार, ये लगा के हमारा शब्द क्या बन गया दुकानदार। ये धन है, धन का मतलब आपको पता है पैसे, जब इसके पीछे बड़ी ई लगा दी तो क्या बन गया ये धनी। क्लियर हुआ बच्चों? अब आ जाओ इधर, जैसे अतिथि, तिथि का मतलब होता है दिना, जब अ इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, अतिथि जिसका कोई, जिसकी कोई तिथि ना हो। प्रदर्शन, प्रदर्शन, लाचारी, लाचारी, उपयोगी, उपयोगी, स्वभावता, स्वभावता, खंडित, खंडित, विशेषता। अब जो ये वाली चीज जो आई ये क्या है प्रत्यय है, ठीक है ना, क्योंकि ये मूल शब्द के बाद में लगा है, ठीक है, ये मूल शब्दों के बाद जो लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। आगे बच्चों, अधर्म, अधर्म, प्रहार, प्रहार, लापता, लापता, उपकार, उपकार। अब फिर इधर क्या आगे प्रत्यय आगे, क्योंकि पीछे लग रही हैं ये, संभव, ये मूल शब्द हैं, संभवता, 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 प्रकाशित, प्रकाशित, शीतलता, शीतलता। क्लियर हुआ बच्चों? अब आ जाओ फोर्थ प्रश्न पे, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जान खाना, परेशान करना, बच्चा खिलौना लेने के लिए माँ की जान खा रहा है, लाले पड़ना, कमी होना, अकाल पड़ने पर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, षटे शमासे होना, पुराने समय में लोग षटे शमासे आते थे, टपक पड़ना, अचानक आ जाना, असमय में जब अतिथि टपक पड़े तो बहुत गुस्सा आता है। तो जी बच्चों मैंने आपको मुहावरों में भी पीछे करवाए हुए हैं तो आप उधर से भी देख सकते हो। फिफ्थ नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। मैंने कहानी सुनी, मैं कहानी सुनता आया हूँ। तो पहले वाक्य में हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि कहानी एक बार सुनी है, तो दूसरे में हमें वो क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि कहानियाँ एक ही बार नहीं सुनी, प्रायः सुनी जाती रही हैं। तो ऐसे ही हमने नीचे भी करनी है। दिए गए वाक्यों को ऊपर पढ़े गए वाक्यों के अनुसार क्रियापद बदल कर लिखिए। दादी जी ने रामचरितमानस पढ़ी, दादी जी ने रामचरितमानस पढ़ती आई है। फिर सुनो, दादी जी रामचरितमानस पढ़ती आई है। पिताजी ने परीक्षा की तैयारी के लिए कहा, पिताजी परीक्षा की तैयारी के लिए कहते आए हैं। आपने कहा को कट करके कहते आए हैं। हमने अपना गृह कार्य किया, हम अपना गृह कार्य करते आए हैं। मानसी ने पहेलियाँ पूछी, मानसी पहेलियाँ पूछती आई है। प्रथम आने वालों को पुरस्कार मिला, प्रथम आने वालों को पुरस्कार मिलता आया है। तो जी बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आपने पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है, बुक की रीडिंग भी करनी है, ताकि मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप निकाल सको, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप खुद करोगे। इसी के साथ धन्यवाद।